प्रतिभा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहसुन और सूखे नारियल की चटनी। चटनी बनाने के लिए हमने लिया है लहसुन, सूखा नारियल, लाल मिर्च पाउडर, मूंगफली, तिल, जीरा, साबुत धनिया और नमक। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियां को हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे सूखे नारियल के काप। सूखे नारियल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। अब इसी के साथ भूनते हैं मूंगफली। अब इसमें भूनने के लिए डालेंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे साबुत धनिया और तिल। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 2 मिनट के लिए भून लेंगे और गैस बंद कर देंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और मिक्सी में पीस लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट थोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इसे ऐसा दरदरा पीसना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स होने के लिए हम इसे और थोड़ा पीसेंगे। ये देखिए, सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। लहसुन और नारियल की सूखी चटनी बनकर तैयार है। अब हम चटनी को एक बाउल में निकालेंगे। देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है। ये चटनी आप रोटी, पराठा, पूरी सभी के साथ खा सकते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये चटनी 15-20 दिन तक बहुत अच्छी रहती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो जरूर बताइए। मिलते हैं स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।